हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो लेसन में हम सीखेंगे ई कॉर्ड का कॉम्बिनेशन, साथ में एक स्ट्रमिंग पैटर्न और एक बहुत अच्छा सॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट। तो ई कॉर्ड का कॉम्बिनेशन क्या होता है? ई, देन उसके बाद सी शार्प माइनर, ये ओपन सी शार्प माइनर है, एक सी शार्प माइनर यहां पर भी होता है। ई सी शार्प माइनर, देन ए एंड बी कॉर्ड फोर्थ फ्रेट में। E, C sharp minor, A major chord and B major chord. Strumming हम सीखेंगे बिल्कुल easy है। Down, up, up, down, up. First part is down, second one is up, then third part is up, down, up. Down, up, up, down, up. Down, up, up, down, up. Down, up, up, down. Chord के साथ use करके देखते हैं। Down, up, up, down, up. Down, up, up, down, up. Down, up, up, down, up. Down. अब इस रिदम और इस कॉर्ड से सुटेबल एक सॉन्ग है, होना था प्यार, आपने सुना भी होगा आतिफ असलम का, तो वो सॉन्ग हम ट्राई करते हैं। तो उसमें रिदम ऐसी ही हमें चलानी है, लिटिल बिट थोड़ी सी फास्ट रिदम है। आप लोग देखते रहेंगे, जैसे होना था सेकेंड पार्ट में आएगा सी शार्प माइनर, यहां पर हम यूज करेंगे सी शार्प माइनर। मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया, ए हो गया भी सपना जो देखा तुमने, कल मेरा हो गया, हो गया गड़बड़ है। सो कॉर्ड्स और रिदम इसकी यही है। कॉर्ड सीखनी है आपको, एक स्ट्रमिंग सीखनी है जो मैंने बताई है, और उसके साथ ये वाला गाना अच्छे से लिरिक्स इसको लर्न करके गाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन प्रैक्टिस।